नमस्कार, एसटीवी न्यूज ऑनलाइन में आपका स्वागत। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने रखा उपवास, मोदी सरकार को बताया दलित विरोधी। वहीं उपवास से पहले कांग्रेसी नेताओं ने खाए छोले भटूरे। तेरह करोड़ की चोरी का हुआ खुलासा, गैंग का मुखिया वारदात में पहुंचता था प्लेन से। अलवर पुलिस ने दबोचे गैंग के सरगना। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल पर फेंकी स्याही, गुर्जर समाज के युवा नेता ने पटेल का किया विरोध, हार्दिक के समर्थकों ने की जमकर पिटाई। और विवाहिता ने आग लगाकर की खुदकुशी, पीआर पक्ष ने लगाए हत्या के आरोप, अलवर के कठुमर का है मामला। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को राजघाट पर उपवास रखने के बाद केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज देश में जो माहौल पैदा किया गया है वह बीजेपी की विचारधारा के कारण है। राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की विचारधारा देश को बांटने की है और दलितों को कुचलने की। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी दलित विरोधी है, हम उन्हें 2019 में हरा कर दिखाएंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाकर उसके खिलाफ यह उपवास रखा है। उपवास के बाद राहुल गांधी ने पत्रकारों से कहा कि बीजेपी की विचारधारा आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को भी कुचलने की है, हम बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ यहां खड़े हैं और जिंदगी भर खड़े रहेंगे, हम उनको 2019 में लोकसभा चुनाव में हरा कर दिखाएंगे। वही राहुल गांधी के उपवास पर उस समय विवाद हो गया जब कांग्रेस अध्यक्ष के साथ राजघाट पर पहुंचे कुछ पार्टी नेताओं की छोले भटूरे खाते हुए सुबह की तस्वीरें सामने आ गई। हालांकि राहुल ने इस पर कुछ नहीं बोला। यह पूछे जाने पर कि बीजेपी के दलित सांसद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख रहे हैं, राहुल गांधी ने कहा कि वे बीजेपी के सांसद हमें बताते हैं कि मोदी जी दलित विरोधी हैं, वे दलितों का हित नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी दलित विरोधी हैं, अब यह छुपा हुआ नहीं है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उपवास कर रहे हैं एक सोच के खिलाफ। कुछ दिन पहले बीजेपी के नेता ने कहा कि विपक्ष के लोग जानवर। सच्चाई है कि आज हर व्यक्ति हिंदुस्तान में सरकार के विपक्ष में खड़ा है। जो दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ, किसानों के खिलाफ इस सरकार की अप्रोच है उसके खिलाफ हम खड़े हैं। और देश इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश में हिंसा फैलाने का काम, घृणा फैलाने का काम करे, और हम इस विचारधारा के खिलाफ यहां खड़े हैं। आप एक दिन और जो आपको मीडिया को दबाया जा रहा है, आपको डराया जा रहा है, आप उस साइड खड़े हो, मगर सचमुच में आप भी हमारे साइड इस साइड खड़े हो, क्योंकि हम आपकी भी रक्षा कर रहे हैं, ये भी आप मत भूलो। और आप मुस्कुरा रहे हो, मैं जानता हूं, मगर हम आपके लिए भी लड़ रहे हैं कि इस देश में हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति के जो दिल में हो, जो वो बोलना चाहे, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं, उसकी हम यहाँ रक्षा कर रहे हैं। देश में जो एटमोस्फेयर क्रिएट किया गया है वो बीजेपी के विचारधारा के कारण किया गया है। बीजेपी की विचारधारा देश को बांटने की है, दलितों को कुचलने की है, आदिवासियों को कुचलने की है, माइनॉरिटीज को कुचलने की है, तो उसके खिलाफ, बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ हम यहाँ खड़े हैं। और हम आज नहीं खड़े हैं, हम पूरी जिंदगी भर खड़े रहेंगे, और इनको हम 2019 में हरा के दिखाएंगे। बीजेपी के दलित एमपी मोदी जी की चिट्ठी लिख रहे हैं पार्लियामेंट में, आप उनसे बात करें, वो हमें भी बताते हैं कि मोदी जी कास्टिस्ट व्यक्ति हैं, मोदी जी एंटी दलित व्यक्ति हैं,
मोदी जी के दिल में दलितों के लिए कोई जगह नहीं है, ये पूरा देश जानता है, ये कोई सीक्रेट नहीं, तो ये तो क्लियर है। धन्यवाद। दरअसल राहुल के उपवास पर बैठने से पहले जहां सिख दंगों में आरोपी कांग्रेस नेताओं जगदीश टाइटलर और सज्जन सिंह को वापस लौटाया गया, वहीं इसके बाद एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो कांग्रेस के लिए उपहास की वजह बन गई। इस तस्वीर में कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह, लवली, हारून यूसुफ, छोले भटूरे खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेज पर अजय माकन और बाकी कांग्रेसी नेता भी मौजूद हैं। जिस प्रकार का मजाक कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी जी ने राजघाट से किया है, हमारा स्पष्ट मानना है कि सबसे अधिक कष्ट किसी को हुआ होगा तो राजघाट में। जिस प्रकार का छलावा किया कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्याग्रह की नीति को छलनी करके रख दिया है। सत्याग्रह का कितना बड़ा अर्थ होता है? सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए लड़ना, उसके लिए कष्ट सहना और एक आंदोलन के स्वरूप को जन्म देना। मगर यहां कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? आज हम सुबह से मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार के फोटो देख रहे हैं, छोले भटूरे खाने के पश्चात उपवास, यह घृणक काम है, यह मजाक है। आपने दलितों के साथ, आपने किसानों के साथ, आपने गरीबों के साथ जिस प्रकार का मजाक किया है, उसके लिए देश आपको माफ नहीं करेगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सोमवार को सुबह 11 बजे से 5 बजे तक सभी संभाग मुख्यालयों पर कांग्रेस जनों द्वारा उपवास रखा गया। उपवास के माध्यम से बीजेपी सरकार से हिंसा पर लगाम लगाने और आपसी सद्भाव, भाईचारे, सामाजिक समरसता एवं शांति को कायम करने की मांग की जा रही थी। जयपुर में शहीद स्मारक पर आयोजित जयपुर संभाग के उपवास कार्यक्रम में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे, सह प्रभारी सचिव विवेक बंसल सहित प्रदेश के सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। पूरी पार्टी की एक मांग है कि जो हिंसा हुई है पिछले दिनों में वो दोबारा रिपीट ना हो। समाज में टकराव की स्थिति जो पैदा हुई है उसके लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनकी नींद खुलनी चाहिए और नकारात्मक राजनीति को हमें समाप्त करना पड़ेगा। कांग्रेस ने हमेशा अहिंसा में विश्वास रखा है, महात्मा गांधी जी के रास्ते को हम चल रहे हैं और आज देश को संदेश देने के लिए बैठे हैं कि किसी जाति, किसी वर्ग, किसी समुदाय, किसी धर्म का कोई व्यक्ति हो, भारत का नागरिक है, अपनी मांग रखने का सबको अधिकार है, लेकिन संविधान के दायरे में हम अपनी बात रख सकते हैं। हिंसा को जो अंजाम देता है उसके हम सख्त खिलाफ हैं, चाहे कोई व्यक्ति भी हो, लेकिन भाजपा की जो सरकारें हैं राज्य की और केंद्र की, उन्होंने कहीं ना कहीं जानबूझ के इस प्रकार की हिंसक भावनाओं को भड़काने का काम किया है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी सरकारों की होती, वो किया नहीं गया और देखते देखते हालात ऐसे हुए हैं, कई निर्दोष लोगों की जाने गई हैं, गोलियां चली हैं, लाठियां चली हैं, केसें दर्ज हुए हैं, इसलिए इस प्रकार का घटनाक्रम दोबारा ना यहाँ पर पनपे, इसके लिए हम यहाँ पर बैठ के अपील कर रहे हैं। राहुल जी पूरे देश के लिए अपील कर रहे हैं, हम प्रदेश के लिए अपील कर रहे हैं। अलवर पुलिस ने 13 करोड़ की चोरी का खुलासा करते हुए गैंग के 2 सरगनाओं को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। यह शायद पहला मामला है जिसमें सरगना हवाई जहाज से वारदात करने पहुंचता था और गैंग के पास ऑल इंडिया परमिट के 8 से 10 कंटेनर भी मौजूद थे जिन्हें चोरी का माल ले जाने के लिए काम में लिया जाता था। इस गिरोह ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में कई वारदातें करना कबूला है। अलवर जिले में भी लगभग 1 दर्जन मामले दर्ज हैं जिसमें एक बार में लगभग 70 से 80 लाख रुपए की चोरी किए जाने का अनुमान है। अब चोर लुटेरों ने भी अपना स्तर बना लिया है। बड़ी लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए गैंग का मुखिया प्लेन से वारदात स्थल पर पहुंचकर लूट को अंजाम देने लगे हैं। ऐसी ही एक गैंग का अलवर पुलिस ने पर्दाफाश किया है जिनके खिलाफ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में लगभग 1.5 दर्जन मामले दर्ज हैं, जिसमें ये शातिर विद्युत विभाग की हाई टेंशन लाइनों को जो नव निर्माण के लिए लाई जाती हैं उन्हें चोरी कर ले जाते थे। इनके पास लगभग 10 से 12 कंटेनर हैं जो ऑल इंडिया परमिट से पास हैं। 2 माह पूर्व अलवर में विद्युत विभाग के अधिकारियों ने SP राहुल प्रकाश से मुलाकात कर जिले में टपुकड़ा, चौपानकी और खुशकेड़ा में हाई टेंशन लाइनों के तारों की चोरी का होना बताया था। इस तरह की चोरी की लगभग 1 दर्जन वारदातें हो चुकी हैं और एक चोरी में लगभग 70 से 80 लाख रुपए का माल गया है। SP ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए विशेष टीम का गठन कर गैंग का पर्दाफाश कर 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
जिनसे 13 करोड़ की चोरी का खुलासा करने के साथ ही अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। गैंग का मुख्य सरगना प्लेन से वारदात स्थल पर पहुंचता था और अन्य सदस्य ट्रेन द्वारा, वहीं गैंग के अन्य सदस्य वारदात के आसपास कंटेनर लेकर पहुंच जाते थे। वहीं तारों को काटकर कंटेनर से दिल्ली ले जाकर बेचा जाता था। पकड़े गए मुख्य आरोपियों में सप्पी पुत्र इस्माइल और मोहम्मद समीम पुत्र हाजर खान, दोनों हरियाणा के नूह जिले के तावड़ू थाना अंतर्गत गुनावट गांव के रहने वाले हैं। प्रेस वार्ता में एसपी राहुल प्रकाश ने बताया कि अभी अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है, साथ ही माल बरामदगी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। विद्युत अभियंता महोदय, उनके एक्सीएन साहब और एएन साहब कार्यालय पधारे थे और उन्होंने विशेष तौर पर जिक्र किया था कि हमारी जो निर्माणाधीन विद्युत लाइनें हैं जो हाई कैपेसिटी की होती हैं और बहुत कॉस्टली होती हैं, और मुझे भी व्यक्तिगत रूप से जानकारी नहीं थी। उस दिन उन्होंने बताया कि लगभग 70 से 75 लाख की तारें एक बार में कट रही हैं, तो अवश्य मुझे लगा कि ये बड़ा ही चिंताजनक विषय है और अभी तक हमारे ध्यान में नहीं था। तो हमने उस क्षेत्र में जितनी भी इस तरह की वारदातें हुई थी, जो कि चौपान की खुशखेड़ा और टपुकड़ा थाना क्षेत्र में दर्ज की गई थी, उन सबको इकट्ठा किया, तीनों SHOs को बुलाया, उसके ऊपर एक मीटिंग ली और SHO टपुकड़ा के नेतृत्व में हमने एक विशेष टीम का गठन किया इस मामले के खुलासे के लिए। लगभग 1.5-2 महीने काम करने के पश्चात गैंग को उसने ट्रेस कर लिया है। इस गैंग में लगभग 15 लोग हैं, जिसमें से मुख्य दो उनको अरेस्ट करने में सफलता मिली है, और ये लोग मुख्य तौर पे, इनके पास 10 से 12 कंटेनर्स हैं जिसकी ऑल इंडिया परमिट है इनके पास, उसको लेकर के ये माल डिलीवरी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। और उसी दौरान जो वहाँ के हाई टेंशन वायर्स होते हैं पावर ग्रिड के, उनकी रेकी कर लेते हैं, और जब रेकी करके उनको ये सुनिश्चित हो जाता है कि वारदात कब करनी है, तो जो मुख्य सरगना है वो मुख्यतः हवाई मार्ग से वहाँ पे पहुँचता है। वो लोग एरोप्लेन से जाते हैं, बाकी टीम के मेंबर्स जो हैं वो ट्रेन से जाते हैं, और जो लोग ऑलरेडी वहाँ पे माल डिलीवर करने के लिए गए हुए रहते हैं कंटेनर लेके, वहीं पे रुके होते हैं। वहाँ पे तारों को काटने के बाद उसके छोटे टुकड़े करके कंटेनर के अंदर भर के ये लोग इसको दिल्ली लेके आते हैं, और दिल्ली में जहाँ बेचते हैं उसके विषय में भी हमारे पास विशेष इनपुट आ चुके हैं, उसके ऊपर काम जारी है। और लगभग अभी तक 18 दर्ज FIRों में इन्होंने अपने इन्वॉल्वमेंट को स्वीकार किया है। जो वारदात आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई जिलों में किए गए हैं, इसके अलावा भी लगभग 2 दर्जन टोटल वारदात वो बता चुके हैं, और हमें संभावना है कि भी पूछताछ में इनके वारदातों की संख्या और बढ़ सकती है। अंतर्राज्यीय इस गैंग में 15 से 20 लोग शामिल हैं, जिनके द्वारा सुनसान जगहों पर जाने वाली हाई टेंशन लाइनों की रेकी की जाती थी। इसी गैंग में शामिल इजराइल, जुबेर और जमशेद के पास ऑल इंडिया परमिट के 8 से 10 कंटेनर भी हैं, जो माल को दिल्ली तक पहुंचाने का काम करते थे। वारदात से पहले गैंग के सदस्य रेकी कर अन्य सदस्यों को बुलाते थे और सरगना प्लेन से पहुंचते थे। मौके पर पहुंचकर तारों को कटिंग कर कंटेनर में लोड कर दिल्ली ले जाकर बड़े कबाड़ियों को मोटे दामों में बेचते थे। इस पूरी कार्यवाही में SP राहुल प्रकाश ने भिवाड़ी ASP पुष्पेंद्र सोलंकी और DSP नेमी चंद के नेतृत्व में टीम बनाई, जिसमें ASI राजेश कुमार मीणा, थाना टपुकड़ा सत्यवीर, विजय सिंह, नवल कुमार, सुनील कुमार, गजराज सिंह, प्रधुमन कुमार और लाला राम सहित पूरी टीम ने जाल बिछाकर आरोपियों को दबोचा है। 2 अप्रैल को हुए भारत बंद के बाद सोशल मीडिया पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा 10 अप्रैल को भारत बंद का प्रचार चल रहा है। हालांकि किसी भी संगठन ने आगे आकर बंद का आह्वान नहीं किया है, फिर भी प्रशासनिक स्तर पर किसी भी तरह की आशंका के चलते खास तौर पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि 2 अप्रैल को दलित समुदाय द्वारा कराए गए बंद के दौरान आगजनी की अनेकों घटनाएं सामने आई थी। लेकिन अब पुलिस किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। SP राहुल प्रकाश ने बताया कि व्हाट्सएप सहित सोशल मीडिया पर पूरी निगरानी रखी जा रही है और इस तरह के भ्रामक प्रचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। अलवर के किसी भी संस्था ने और किसी भी समुदाय ने किसी भी प्रकार से बंद की कोई घोषणा नहीं की है। जो भी व्हाट्सएप पे ये प्रचार कुछ लोगों के द्वारा किया गया था वो भ्रामक था, और आने वाले दिनों में उसको लेकर के भी वो प्रचार भी लगभग थमसा गया है। और फिर भी अगर किसी प्रकार का विभेदकारी या किसी प्रकार के भ्रामक प्रचार व्हाट्सएप अथवा किसी अन्य माध्यम से किए जाएंगे, तो पुलिस उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेगी और उसकी जांच भी कराई जाएगी। आज विशेष तौर पे अलवर शहर में, खैरथल कस्बे में और अन्य प्रमुख थाना क्षेत्रों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है,
जिससे कि जनता में सुरक्षा का भाव बना रहे। और 10 तारीख को बंद की कोई घोषणा नहीं है, फिर भी पुलिस और प्रशासन जो है मिलकर के पूरी सतर्कता बरतेगी जिससे किसी को कोई समस्या नहीं हो पाएगी। उधर खैरथल और अलवर में पुलिस द्वारा आईपीएस अनिल बेनीवाल के नेतृत्व में बाजारों में फ्लैग मार्च निकाला गया ताकि आम जन में किसी प्रकार का भय न हो। अरावली विहार, एनईबी, शिवाजी पार्क, सदर और एमआईए, ये सारे एरिया उसको अपने कवर किया जाएगा और जो भी डाउटफुल एरियाज हैं उन सभी एरिया के अंदर मैसेज हमारी तरफ से दिया जा रहा है कि पुलिस और आपका प्रशासन दोनों पूरी तरह से सजग हैं और किसी भी टाइप की कोई भी ऐसी हरकत जो मतलब पिछली 2 तारीख को आप लोगों को देखने को मिली थी, इस टाइप की किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यही मैसेज देने का आज हम काम करेंगे। गुजरात के पाटीदार आंदोलन से विख्यात हार्दिक पटेल को मध्य प्रदेश के उज्जैन में विरोध का सामना करना पड़ा। आने वाले चुनाव में वह भाजपा के खिलाफ प्रचार करने मध्य प्रदेश गए हुए हैं। वहां पर कथित गुर्जर समाज के राष्ट्रीय सचिव ने हार्दिक पटेल पर स्याही फेंक कर हंगामा खड़ा कर दिया। इस मामले में हार्दिक के समर्थकों ने उसकी जमकर पिटाई की। खुद को गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय सचिव बताने वाले एक शख्स ने शनिवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन में पाटीदार आंदोलन नेता हार्दिक पटेल के ऊपर स्याही फेंक दी। घटना का वीडियो भी सामने आया जिसमें स्याही फेंकने वाला शख्स हार्दिक पटेल को मध्य प्रदेश में नहीं रहने की धमकी दे रहा है। वीडियो में नजर आ रहा शख्स को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इससे पहले हार्दिक के समर्थकों ने उसकी खूब पिटाई की। ये गुर्जर समाज को सिर्फ बरगलाता है और गुर्जर समाज अति पिछड़ी समाज है। गुर्जर समाज अति पिछड़ी समाज होने के कारण ये उनका गलत फायदा उठाता है। राजस्थान में गुर्जर बन जाता, गुजरात में पाटीदार बन जाता, साउथ में जाता कम्मा रेड्डी बन जाता। पहले तो हार्दिक पटेल से ये पूछिए आप लोग मीडिया के माध्यम से, तो है किस समाज का, गुर्जर है या पाटीदार है या कम्मा रेड्डी है, क्या है? और समाज को बरगलाने का काम करता सिर्फ ये। सरदार पटेल को लेके ये राजनीति करता। सरदार पटेल, मेरे पास पूरे पुख्ता प्रमाण है कि सरदार पटेल गुर्जर हैं और ये पाटीदार बना बताता है उनको। इस बात को लेकर मैं काफ़ी समय से आहत था, जो आज मैंने भड़ास निकाली, मैं आज खुश हूँ इसके साथ ऐसा बता करके। दरअसल पाटीदार नेता हार्दिक उज्जैन के कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां शख्स ने उनके ऊपर नीली स्याही फेंक दी थी जो उनके चेहरे के साथ शर्ट पर फैल गई। हार्दिक पटेल इन दिनों अपने मध्य प्रदेश के दौरे के तहत किसानों से मुलाकात कर रहे हैं। हार्दिक पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश चुनाव में उनका समर्थन कांग्रेस को होगा। शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाती है तो वह इसका विरोध नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर एक सिगरेट पीने से कैंसर होता है, अगर एक सिगरेट पीने से अपना शरीर हानिकारक होता है, तो गलत नेता जब हमारे पर राज करता है, गधे जैसा नेता, तो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए वो हानिकारक है। तो मैं चाहता हूँ कि अच्छे नेता को वहाँ भेजना चाहता हूँ और वहाँ जाकर गंदगी हटाए और लोगों की सेवा करे। वो करने का प्रयास काम मैं पूरे दिल से करूँगा। कोई रोकने का प्रयास करेगा या फिर हमें कोई परेशान करने का प्रयास करेगा तो वो भी तैयारी रखे, क्योंकि अगर मैं 2 दाढ़ी वाले गुंडे से लड़ सकता हूँ तो मामा से लड़ने की औकात भी रखता हूँ और हैसियत भी रखता हूँ। जो लोग कहते हैं आज उनका स्थापना दिन है, जो लोग मंदिर बनाने की बात कहते आज उनका स्थापना दिन है, लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि अभी तक उनका मंदिर नहीं बना। जिन लोगों ने पार्टी बनाई थी मंदिर के नाम पर, अभी तक उन्होंने मंदिर नहीं बनाया। तो मेरा तो स्वाभाविक है कि अगर इस प्रदेश के अंदर आपको भी मालूम है, मुझको भी मालूम है कि हमने गुरु से आज़ादी क्यों ली थी, ताकि हम स्वतंत्र रह पाए। चोर आकर बैठ गए, गुरु से आज़ादी लिए चोर आकर बैठ गए, और रियासतें कैसी अच्छी चलती थी, किसी को अन्याय नहीं होता था। अगर मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि अगर ज्योतिराज सिंधिया जी अगर यहाँ प्रमोट होते, अगर उनको आगे किया जाता है, तो 100% हम उनके साथ है, उनका विरोध भी नहीं करेंगे, भाजपा को हराने।
कठुमर में समीवर्ती गांव बाडला में रविवार देर शाम को एक 21 वर्षीय विवाहिता ने केरोसिन छिड़ककर आग लगा ली और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं पियर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर जलाकर हत्या करने के आरोप लगाए हैं। डीएसपी ताराचंद ने बताया कि घसकटा उत्तर प्रदेश निवासी विजेंद्र राजपूत की पुत्री वंदना राजपूत उम्र उसकी 21 साल की है, जिसकी शादी 20 फरवरी 2015 को थाना कठुमर क्षेत्र के बाडला निवासी दीपक राजपूत के साथ की गई थी। वंदना का पति दीपक अहमदाबाद के गुजरात में काम करता है। जानकारी के अनुसार रविवार देर शाम वंदना ने शरीर पर केरोसिन छिड़क कर आग लगा ली, जिसमें वह पूरी तरह झुलस गई और मौत हो गई। देर रात मिली सूचना पर कठुमर पुलिस के एएसआई साव खान और हेड कांस्टेबल लखन सिंह मैं जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर कठुमर सीएससी में रखवाया, जिसका सोमवार को पोस्टमार्टम कराया गया और शव पीहर पक्ष के सुपुर्द कर दिया गया। मामले में मृतका के पिता विजेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दी है कि उसने अपनी बेटी की शादी दीपक राजपूत के साथ की थी, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग वंदना को परेशान करते थे और उसे जलाकर मार दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे तफ्तीश जारी है। हमारी लाली वंदना ब्याही थी, वो अपनी सास ने मट्टी का तेल छिड़क के आग लगा के खत्म कर दी है। दहेज के ऊपर रोज मारते कूदते गाड़ी गलोच, कई बार हम आ गए यहाँ समझ आ गए, एक बार लाली हुए ले गए सुनियो कई अब नहीं मारेंगे, फिर ले आए सब गाँव से कई बेचते साहब हम नहीं मारेंगे फलान गाँव से उनमें कटे मिल कई, फिर भी हालत कर गई अब लाश चला के खत्म कर दिया। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। राहुल गांधी ने रखा उपवास, मोदी सरकार को बताया दलित विरोधी, वहीं उपवास से पहले कांग्रेसी नेताओं ने खाए छोले भटूरे। तेरह करोड़ की चोरी का हुआ खुलासा, गैंग का मुखिया वारदात में पहुंचता था प्लेन से, अलवर पुलिस ने दबोचे गैंग के सरगना। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल पर फेंकी स्याही, गुर्जर समाज के युवा नेता ने पटेल का किया विरोध, हार्दिक के समर्थकों ने की जमकर पिटाई। और विवाहिता ने आग लगाकर की खुदकुशी, पीआर पक्ष ने लगाए हत्या के आरोप, अलवर के कठुमर का है मामला। स्पार्कल प्राइम इंडिया न्यूज में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।